नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खाना सजाना में। तो टाइटल से आज आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैदा 60 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बटर 25 ग्राम, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, कंडेंस्ड मिल्क 100 ml, पानी 50 ml। अब हम एक टिन लेंगे जिसमें हमें अपना केक बेक करना है। उसमें हम अच्छे से बटर लगाएंगे और उसको पार्चमेंट पेपर से अच्छे से कवर करेंगे जिससे कि हमारा केक चिपके ना। अब हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बटर। अब हम इसे 10 मिनट के लिए बीटर से बीट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा पीला सा है, पर आप 10 मिनट के बाद देखेंगे कि ये थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा और काफ़ी फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये कैसा हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और ये कितना सफ़ेद हो गया है। अब हम इसमें छानेंगे मैदा। अब हम इसमें छानेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये सब छानने के बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और इसको बिना बीटर चलाए थोड़ा थोड़ा हम इसको मिलाएंगे। आप अभी बीटर स्टार्ट ना करें क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी मैदा बाहर गिर जाएगी। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे और एक हमारा स्मूथ पेस्ट बन जाए। आप इसको बीटर से बीट करें सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे टिन में डालेंगे। मैंने अपना ओवन पहले से ही प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। सारा बैटर टिन में डालने के बाद आप इसको अच्छे से टैप कीजिएगा जिससे कि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। ये लीजिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे ओवन में बेक करूंगी 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। ये देखिए 20 मिनट के बाद मेरा बेस बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें टूथपिक या फिर नाइफ डालकर चेक करूंगी कि ये प्रॉपर बेक हुआ है या नहीं। यदि मेरी टूथपिक क्लियर बाहर आ रही है इसका मतलब है कि मेरा केक अच्छे से तैयार हो गया है, नहीं तो आप इसे 5 मिनट के लिए और रखें। केक पूरा ठंडा हो जाने के बाद ही आप टिन से बाहर निकालें वरना आपका केक टूट भी सकता है। ये देखिए अब इसका पार्चमेंट पेपर हम हटाएंगे और ये मेरा स्पॉन्ज बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। इससे हम बनाएंगे अपना 1/2 kg का पाइनएप्पल केक। अब हम एक पैन में 1 1/4 कप पानी लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी और इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये हम शुगर सिरप बना रहे हैं जिसमें हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे 1 कप पाइनएप्पल के पीसेस। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और हम इनको बॉईल करेंगे जब तक कि ये हमारा पानी हाफ ना हो जाए।
अब हम लेंगे 200 ml क्रीम। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। इसको हम बीटर से बीट करेंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी क्रीम टाइट ना हो जाए, फ्लफी ना हो जाए और इसमें एक बीट ना बनने लगे। अब क्योंकि मैं ये पाइनएप्पल केक बना रही हूँ तो मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालूंगी। आप जो भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं आप यहाँ पर वो एसेंस डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी क्रीम बिल्कुल तैयार है। अब मैं अपना स्पॉन्ज लूंगी। ये मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आप भी अपना ये फ्रिज में जरूर रखें। अब हम इसकी लेयर कट करेंगे। मैं इसको 3 पार्ट में कट करूंगी। ये देखिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा और जो नीचे रखा है ये तीसरा पार्ट। ये देखिए ये मेरा पाइनएप्पल शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका पानी अपने बेस पर डालूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो बेस है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें शुगर की क्वांटिटी भी बैलेंस हो जाएगी। ये लगाने के बाद अब हम इस पे डालेंगे क्रीम। क्रीम को हम अच्छे से फैलाएंगे। आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप उतनी क्रीम लगा सकते हैं। अब मैं इस पे डालूंगी पाइनएप्पल के पीसेस, जिससे कि इसका टेस्ट और दुगना हो जाए। अब ये मैंने इसकी सेकंड लेयर रखी है और हम सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। पहले पानी डालेंगे, फिर उस पर क्रीम लगाएंगे और फिर पाइनएप्पल के पीसेस डालेंगे। और अब हम रखेंगे थर्ड और फाइनल लेयर। ये देखिए ये मैंने पूरी क्रीम से कवर कर दिया है। चारों तरफ हम लोग क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छे से घुमाएंगे। क्रीम लगाने के बाद हम अपने केक को 3 से 4 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए मेरा केक फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम डेकोरेशन के लिए 1/2 कप व्हाइट चॉकलेट लेंगे, जिसे मैंने डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ब्लू कलर, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर चाहिए जो कि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं ग्रीन कलर बनाऊंगी ब्लू कलर और येलो कलर की मदद से। अब मैं इसमें डालूंगी येलो कलर और इसको अच्छे से मिलाएंगे। आपको डार्क ग्रीन कलर चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा ब्लू कलर डालिए, नहीं तो थोड़ा कम डालिए। ये देखिए मेरा ग्रीन कलर बनने लगा है। जैसे जैसे मैं इसे मिला रही हूं मेरा ग्रीन कलर बनता जा रहा है। ये देखिए मेरा ग्रीन कलर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब मैंने एक बटर पेपर लिया है और जो मेरी ग्रीन चॉकलेट मैंने बनाई थी वो मैंने एक कोन में भर ली है। अब मैं इस कोन की मदद से पत्ती की शेप बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे सीधे चम्मच से भी बना सकते हैं। अब हम इसे चम्मच की मदद से इसमें चॉकलेट भरेंगे और एक शेप देंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम 1.5 चम्मच न्यूट्रल जेल लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत थिक फॉर्म में होता है, तो इसे हमें एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे लाना है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ा पतला हो जाए और ईजिली हमारे केक पे स्प्रेड हो जाए। अब क्योंकि मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ जिसका कलर येलो होता है, तो मैं इसमें येलो कलर डालूंगी। कलर आपके जेल फॉर्म के हो तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी फूड कलर यूज कर सकते हैं।
ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये इतना पतला होना चाहिए जिससे कि केक पर आराम से फैल जाए। देखिए इतना पतला। अब मैंने केक फ्रीज से निकाल लिया है और अब मैं इस पे जेल डालूंगी। देखिए जेल हमें बीच में से डालना शुरू करना है जिससे कि ये धीरे धीरे फैलकर चारों तरफ अपने आप केक पर लग जाए। ये देखिए केक कैसा लग रहा है। अब मैं फ्रिज में से जो मैंने पत्तियां सुखाई थीं वो निकाल ली हैं। अब मैं एक एक करके इन्हें अपने केक पर लगाऊंगी। आप इन्हें आराम से बटर पेपर से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं तो ये टूट भी जाती हैं। देखिए ऐसे हम लोग एक एक पत्ती लेंगे और उसे केक के साइड से चिपका देंगे क्योंकि केक पर क्रीम लगी है तो पत्ती हमारी इजीली चिपक जाएगी। ये देखिए पाइनएप्पल केक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एडिबल स्प्रिंकल ऐड कर रही हूँ। ये लीजिए पाइनएप्पल केक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।